चैत्र नवरात्र पर्व की शुरुआत हो चुकी है, वहीं रमजान भी शुरू हो चुके हैं। दोनों में ही अपनी श्रद्धा भक्ति से उपवास रखे जाते हैं, क्योंकि इस बार मई जून में पड़ने वाली गर्मी मार्च से ही शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में व्रत रखना थोड़ा कठिन है। वहीं अगर आप डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो आपको व्रत या रोज़ा रखने के दौरान खास तरह की सावधानी बरतनी चाहिए। चैत्र नवरात्रि पर्व की शुरुआत हो चुकी है तो वहीं रमजान भी शुरू हो चुके हैं। दोनों में ही अपनी श्रद्धा भक्ति से उपवास रखे जाते हैं, क्योंकि इस बार मई जून में पड़ने वाली गर्मी मार्च से ही शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में व्रत रखना थोड़ा कठिन है। देखिए, इस समय बड़े शुभ दिन हम लोगों के लिए आ रहे हैं। नवरात्रि भी हैं, साथ में रमजान भी शुरू होने वाला है। तो इस पीरियड में हम लोग जो कॉमनली जो पेशेंट्स जिनको कि लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें कि डायबिटीज़ है, हार्ट है या ब्लड प्रेशर है, तो इन पेशेंट्स को बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, डायबिटीज़ की समय से दवाई लेनी होगी तभी आपका कंट्रोल होगा। तो आप व्रत रखते हैं तो आप व्रत रखें, लेकिन अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें। क्योंकि अगर आप डायबिटिक हो, एक टाइम खाना खा रहे हो, तो आप उस हिसाब से दवाइयाँ अपनी मॉडिफाई कराइए। अगर आप कार्डियक पेशेंट हो, हार्ट पेशेंट हो, तो आपकी दवाइयाँ उसी हिसाब से डॉक्टर सेट कर देगा। जो लोग रोजे रख रहे हैं उनके लिए ये है कि भाई सहरी के टाइम आप खा लीजिए दवाई, और आप रोज़ा अफ्तार के टाइम जब आपका रोज़ा खुलता है उस समय खा लीजिए। तो उससे आप अपने रोजे भी कर सकते हो, आप व्रत भी कर सकते हो, और आप अपना ट्रीटमेंट भी पूरा ले सकते हो। अगर हम ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं और हम ये सोचते हैं कि हम एक टाइम ही खाना खाएंगे, तो शुगर हो सकता है कि रात का खाना आपने खाया और आपने दवा नहीं खाई तो शुगर बढ़ गई, और अगर आपने दिन में भी खाना नहीं खाया और आपने गोली खा ली गलती से तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। तो ये सब इमरजेंसीज डेवलप हो सकती हैं, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार उसको दवाइयों को उसी हिसाब से सेट करा लीजिए। वहीं अगर आप डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो आपको व्रत या रोजा रखने के दौरान खास तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे व्रत में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। देखिए, इस समय बड़े शुभ दिन हम लोगों के लिए आ रहे हैं। नवरात्रि भी हैं, साथ में रमजान भी शुरू होने वाला है। तो इस पीरियड में हम लोग जो कॉमनली जो पेशेंट्स जिनको कि लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें कि डायबिटीज़ है, हार्ट है या ब्लड प्रेशर है, तो इन पेशेंट्स को बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, डायबिटीज़ की समय से दवाई लेनी होगी तभी आपका कंट्रोल होगा। तो आप व्रत रखते हैं तो आप व्रत रखें, लेकिन अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें। क्योंकि अगर आप डायबिटिक हो, एक टाइम खाना खा रहे हो, तो आप उस हिसाब से दवाइयाँ अपनी मॉडिफाई कराइए। अगर आप कार्डियक पेशेंट हो, हार्ट पेशेंट हो, तो आपकी दवाइयाँ उसी हिसाब से डॉक्टर सेट कर देगा। जो लोग रोजे रख रहे हैं उनके लिए ये है कि भाई सहरी के टाइम आप खा लीजिए दवाई, और आप रोज़ा अफ्तार के टाइम जब आपका रोज़ा खुलता है उस समय खा लीजिए। तो उससे आप अपने रोजे भी कर सकते हो, आप व्रत भी कर सकते हो, और आप अपना ट्रीटमेंट भी पूरा ले सकते हो। अगर हम ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं और हम ये सोचते हैं कि हम एक टाइम ही खाना खाएंगे, तो शुगर हो सकता है कि रात का खाना आपने खाया और आपने दवा नहीं खाई तो शुगर बढ़ गई, और अगर आपने दिन में भी खाना नहीं खाया और आपने गोली खा ली गलती से तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। तो ये सब इमरजेंसीज डेवलप हो सकती हैं, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार उसको दवाइयों को उसी हिसाब से सेट करा लीजिए। शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज डॉक्टर से कंसल्ट कर अपनी दवाओं की डोज सेट करा सकते, जिससे शुगर लो होने का खतरा ना रहे। मैं ये भी आप लोगों को आपके माध्यम से सलाह देना चाहूँगा कि हम लोगों को भीड़ वाली जगहों से भी बचना है, और बाज़ार की खुली चीज़ें जैसे मौसम अब डायरिया और ये सब चीज़ें शुरू होने वाली हैं, गर्मी की बीमारियां जो होती हैं पेट संबंधित रोग, तो उन सब से भी बचाव रखना है, भीड़ वाली जगह से भी बचना है। हमें ये नहीं मान के चलना है कि कोविड हमारे कंट्री से बिल्कुल आउट हो गया, हमें ये मान के चलना है कि अभी हमें अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना है। कोविड को हमें ये नहीं सोचना कि कोविड अब बिल्कुल ख़त्म हो गया। बहुत अच्छी बात है, हम लोग यहाँ वैक्सीनेशन बहुत अच्छा हुआ है, हम लोग सब वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन फिर भी हमें अपना अभी ध्यान रखना है। क्योंकि अभी भी रिसेंटली जैसे कि ये H3N2 वायरस आया है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और लंबी खांसियां चल रही हैं, और कोई एंटीबायोटिक दवा काम नहीं कर रही है। तो थोड़ी सावधानी की ज़रूरत है, भीड़ भाले इलाके से बचें हम, है ना, क्राउडिंग ओवर क्राउडिंग जगह ना जाएं। व्रत और रोजे के समय क्या खाना है और इस गर्मी में कैसे कैलोरी को मैनेज करना है, इसकी भी जानकारी किसी डाइटिशियन की मदद से ली जा सकती है। सहरी के समय बीपी की दवा ले सकते हैं। रोजे के दौरान 12 से 14 घंटे तक बिना पानी पिए रहना पड़ता है, ऐसे में समय पर अपना बीपी चेक करते रहें। हाँ, कुट्टू का अगर आप साफ पिसा हुआ आटा है, कुट्टू का आटा जो होता है वो अगर बिल्कुल हाइजेनिक है और साफ में है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता, लेकिन एक्सेस तो हर चीज़ की अति जो होती है वो ख़राब होती है। तो कुट्टू पे ही रहें और कुछ ना खाएं तो फिर वो बॉडी के अंदर प्रॉब्लम दे सकता है। क्योंकि हम लोगों की हैबिट जो है ज़्यादातर
हम हिंदुस्तानियों की हैबिट है आटे की रोटी या मिस्सी रोटी या उस तरीके की खाते हैं, तो कुट्टू कभी कभी हो सकता है कि आपके पेट में अपसेट करे, आपको इनडाइजेशन करे, आपको डायरिया करे, तो कुट्टू का खाते हैं तो कुट्टू भी खाइए, सिंघाड़े का आटा जो होता है वो खाइए आप। व्रत में आलू पूरी पकौड़ी जैसे ऑयली चीजों से जितना दूर रहें उतना अच्छा है। फलों का सेवन ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। इसके अलावा दही सलाद जैसी चीजें भरपूर मात्रा में चीनी की जगह शहद का इस्तेमाल कर सकते। सी न्यूज के लिए लक्ष्मी राज सिंह की रिपोर्ट।